अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा लगा आप लोग का हमारा कल का व्लॉग? और क्या बोलूँ मैं, गुड मॉर्निंग हो गई। अभी अयाज से मिलते हैं, बच्चे भी उठ गए हैं माशाल्लाह से, और साकिब भी है यहाँ पे, और अयाज के भांजा है, वो आया है सुबह ही, मतलब कल रात में आया था लेकिन हमें पता नहीं था, हम सो गए थे रात में, तो अभी सुबह वो ऊपर आया है। और बस यही हमारी मॉर्निंग है, अभी हम लोग फिर मिलते हैं, आज की रूटीन आपको बताते हैं। आज बहुत सारे काम हैं तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा बनने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कहूँगी कि वीडियो पूरी देखिएगा आप लोग, उसके बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह आज भी, मतलब हमारी खुशी में आपने भी खुश होना है, जो हम करेंगे वो आपको दिखाएंगे। चले मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सबसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, गाइस कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया है, गाइस बैठे हैं नाश्ता करके, और साकिब भाई आए हैं, अभी थोड़ी देर हुई है साकिब भाई के साथ। ये देखें बालू, बालू क्या कर रहे हो आप? ये मुझे खेल रहा है मेरे साथ। और गाइस ये देखें अनस भाई भी आए हैं हमारे घर में। अनस भाई हेलो तो कर दो। हेलो। और हेलो गाइस, पूरा बोला करो यार, तुम भी तो व्लॉग बनाते हो अपने। गाइस ये भी व्लॉग बनाता है अपने, इसका चैनल का नाम क्या है? अनस गेमिंग। तो क्या बोलोगे आप? सब्सक्राइब कर दें आगे, या कैमरे में की बात करते हैं, सब्सक्राइब करने आगे और बेल आइकन भी दबा दीजिए। हाँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? हाँ जी, बस हम जा रहे हैं अब शॉपिंग करने के लिए, इम्तियाज़ बच्चों के लिए, बच्चे जिद कर रहे हैं कि मम्मा फ्रिज का थोड़ा सामान, जो मायनीज़ केचप चीज़ें, बिस्किट, केक वेक, तो मैंने ला बच्चों की शॉपिंग करवा देते हैं थोड़ी बहुत, बाकी अब हिम्मत नहीं होती तो मैला पराठे और नगेट्स वगैरह भी ले लेंगे वहाँ से, अचानक भूख लग जाए आधी रात को तो बच्चे खा तो लेंगे, आप लोगों को पता है हिम्मत नहीं होती है तो ये सामान लेने के लिए जा रहे हैं, बाकी वहाँ जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या लेंगे। हाँ भाई, गाशन भाई कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग जा रहे हैं। कौन सी शॉपिंग जा रहे हैं? इम्तियाज जा रहे हैं। किधर? इम्तियाज जा रहे हैं। इम्तियाज जा रहे हैं, क्या क्या शॉपिंग करोगे आप? और हाथ तो निकालो, भालू और कुछ भी नहीं बताएंगे भाई, भालू कुछ भी नहीं बता रहे भाई, उन्होंने इतना बता दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग। शॉपिंग पे कहाँ जा रहे हैं हम? शॉपिंग में चीजें लेंगे, इतनी सारी चीजें लेंगे हम लोग, इनको ये पता है हम शॉपिंग करने जा रहे हैं इम्तियाज, ये पहली दफा जा रहे हैं इम्तियाज, ये अभी तक नहीं गए ज़ियान, माशाल्लाह बहुत दफा जा चुके हैं, तो हमने बोला आज भालू को भी लेके जाएं, इनको भी दिखाएं कि यार इम्तियाज कैसा होता है, ये इनकी मम्मा आ गई हैं। चले गाइस फिर चलते हैं, मिलते हैं इम्तियाज। और ये काशान भाई ट्रॉली में बैठ गए हैं, पहला सामान हमारा ये है कि काशान भाई ट्रॉली में बैठ गए हैं। नहीं, ऑयल वगैरह सामने नहीं जाना, कैसे तंग कर रहा है अपने बाबा को। बाबा क्या देख रहे हैं? हमें पीनट बटर नहीं मिल रहा है, बोलिए ले लिया हमने। मून की
हमने अभी नीचे के एक पोर्शन की शॉपिंग करी है, अब ऊपर जा रहे हैं। हम स्पीकर लेने आए हैं, हम स्पीकर भी यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। ज़बरदस्त एलसीडी है यहाँ पे। हमने ऊपर आए थे अभी कुछ देखने, लेकिन यहाँ कुछ मिला नहीं है हमारे मतलब का, तो बस निकलते हैं नीचे जाते हैं बच्चों को छोड़कर। अच्छा हुआ बच्चे लेके ऊपर नहीं आए, ऊपर बहुत सारे खिलौने थे और काशान तो वरन कट्टी हो जाते। हमारा सामान है सारा और हमारा बिल बन रहा है, सामान पैक हो रहा है हमारा, बाहर आ गए, हमारी पैकिंग हो गई सारे सामान की और अब हम रिक्शा ढूंढ रहे हैं। शॉपिंग हो गई आपकी? क्या क्या लिया है? बस आपने मतलब की चीज़ याद है ना? तुम्हारी शॉपिंग हो गई? मुंह बन गया? इतना सारा सामान लेने के बाद ही हमारे ज्ञान का मुंह हर जगह लाजमी बनता है। और अब शॉपिंग के बाद हमें भूख लगी है तो हम खाना खा रहे हैं, ये बर्गर खा रहे हैं। अंडे वाला बर्गर क्या खा रहे हैं? अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर खा रहे हैं। चले हम जा रहे हैं रिक्शे में, गाइस हमने सामान रख दिया सारा रिक्शे में और अब हमारा रिक्शा चल रहा है। गाइज ये देखें, अभी रुक जाओ पहले सामान निकालने तो दो। देखें ये दुकान हमने यहाँ खोल ली है, पूरी इम्तियाज की दुकान खोल ली है। देखें हमारे घर का पहला बच्चा जिसने सारी, ये देखें अभी तक किसी बच्चे ने कुछ नहीं खाया और ये बच्चे ने अभी तक खाना शुरू कर दिया। इसके लिए हम ढूंढ रहे थे वहाँ पे पीनट बटर। लाओ भाई लाओ लेके चलो। देखिए आपने हमारी शॉपिंग, और शॉपिंग क्या यार, घर की ज़रूरतों का सामान था, कुछ बच्चों के लिए लिया, बाकी अभी इरम को छोड़ के आ रहा हूँ हॉस्पिटल, उसका चेकअप है आज, बस अब उसका वेट करना है, वो कॉल करेगी तो लेने जाना है, लेके आते हैं फिर मिलते हैं उनके साथ, फिर करते हैं ब्लॉग का एंड। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और बस ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें, अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो मिलते हैं थोड़ी देर में अभी रंग के साथ। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर, इनका फ़ोन आ गया था और क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने 4 तारीख का अल्ट्रासाउंड लिख के दिया है, 4 तारीख को करवाना है, बाकी दर्द की गोलियां दी हैं और दूध का डब्बा दिया है और अभी इंजेक्शन भी लगा है मुझे, तो अभी बहुत बुरी तरह मेरा दिमाग घूम रहा है। तो अभी 100 व्यूअर्स हम लोग ब्लॉग का एंड कर रहे हैं यहाँ पर, सही है? लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और अभी हॉस्पिटल के अंदर मुझे एक मेरी फ़ैन मिली जो मेरे ब्लॉग्स रेगुलर देखती हैं, जवेरिया नदीम, बहुत शुक्रिया आपका जवेरिया। अच्छा लगा आज आपसे मिल के, मुलाकात हुई आपकी मेरी, बहुत खुशी हुई, आप बहुत अच्छी आदत की हैं माशाल्लाह से, आपने बहुत अच्छे से मुझे, मैं मतलब मुझसे बात करी, मुझे खुशी हुई। बाकी अब मेरी तरफ से फैंस जगह मिल रहे हैं माशाल्लाह, अभी इम्तियाज गए वहाँ पे, बहुत सारे फैंस मिले हमें, खुशी हुई। जो वहाँ पे मतलब जॉब वगैरह भी करते थे, जो जॉब भी कर रहे थे वो भी माशाल्लाह, छोटा सा क्यूट सा बच्चा आया था जिसने आके हमसे हाथ मिलाया है, कि हम लोग ब्लॉग में दिखा नहीं सके क्योंकि किसी और को लेना ब्लॉग में, यार क्या बात हो क्या नहीं हो, इसलिए इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज करते हैं हम लोग, तो बस बता दिया आपको कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है और प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। नाम लेने की हिम्मत नहीं किसी की, इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में हम नाम लेंगे। मुझे अभी इंजेक्शन लगा है इसलिए मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहा है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। और कैसा लगा आपको ब्लॉग हमारा, हमारी शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अब आपको बोलते हैं अल्लाह हाफिज़।